गुड मॉर्निंग। सो आज डे 8 है गोवा में और टुडे इज 24 जून। बारिश हो गई है, 2 या 3 दिन पहले तो बारिश शुरू भी है। हम साउथ गोवा में आ गए और अभी क्या है, मौसम बड़ा प्यारा सा हो गया। कॉन्टीन्यूसली बारिश होती है, बीच में रुक भी जाती है, बट हवा पे चल रही, तो अब यहाँ पे ह्यूमिड भी नहीं है। पहले क्या है, भाई ह्यूमिड हो रही थी, अभी बिल्कुल अच्छा सा मौसम है, एटलीस्ट सुबह सुबह। अब पूरे दिन देखते हैं कैसे चलता है मौसम, बट अभी तो काफ़ी अच्छा है। गाइस गुड मॉर्निंग। सो एट रिजॉर्ट टुडे वी हैव अ पूल पार्टी। द कवर चार्ज ऑफ 500 पर पर्सन विच एक्ट एज अ कवर चार्ज एंड दे हैव डेकोरेटेड इट क्वाइट वेल। इट स्टार्ट्स एट अराउंड 12:30 आई सपोज। वी आर स्टिल थिंकिंग इफ वी शुड और वी शुड गो आउट, लेट्स सी। सो या वेरी गुड डेकोरेशंस इफ यू सी। But then the irony is, you know, it's already raining and this party is the rain dance happening. So I wonder how do they make it work. But yeah, it will be fun nevertheless, I guess. So we are going to beach again. मौसम काफी अच्छा है तो वहाँ पे जा रहे हैं, थोड़ी देर वहाँ पे खेलेंगे फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। Okay, so too many dogs around barking at us. So as a safety, we have this now. No dog will probably come. कुत्तों से हम बचते हुए आ गए इस बीच पे, प्यारे से बीच पे थे। हम यहाँ पे खेलने आए थे और बारिश इतनी तेज हो रही है, सॉरी हवा इतनी तेज चल रही है यहाँ पे कि हमारी नस कैसे ऐसे जा रही है। हम फेंकते किसी और डायरेक्शन में और ये जा रही है हवा के डायरेक्शन में। ओके सी पे थ्रो करो। हो गया। बीच पे केकड़े काफी हैं, पूरे बीच में ऐसे ही होल बने हुए हैं। ये सारे केकड़ों के घर हैं, क्राब्स के घर, बहुत सारे क्राब्स हैं यहाँ पे। आ गया इस बार, हाँ वापस ही आएगा।
क्रैब अंदर घुस गया या कुछ खाने में लगा हुआ है ये वाला, इसको मतलब ही नहीं है, देखो सब अंदर घुसे हुए हैं। फाइनली ये मिट्टी कह रही है छोटा सा क्रैब पानी आ गया। सबके ऊपर से बालू निकल गई, पानी आया तो काबोदोरामा फोर्ट, जो यहाँ से हमारे रिजॉर्ट से अलगाव रिजॉर्ट से 34 किलोमीटर है। इट गोना टेक ऑलमोस्ट 1 आवर, तो हम वहाँ फोर्ट में जाएंगे, वी गोना स्पेंड सम टाइम ओवर देयर एंड देन फिर विल ट्राई टू कम बैक इफ वी कैन अटेंड पूल पार्टी। तो ऑन द वे टू काबोदोरामा फोर्ट। दूर है भी काबोदोरामा फोर्ट। आज लग रहा है काफी लोग आए हुए हैं, यूजली होते थे साउथ गोवा में हमें काफी कम लोग मिलते थे, बट यहाँ पे कैन सी सो मेनी कार्स। खाने पीने की शॉप्स भी हैं आसपास। चीकू का पेड़, इतने सारे चीकू है इस साइड, मैंने देखे चीकू के पेड़ बहुत सारे हैं, सारे चीकू हैं। पार्किंग फुल है इस फोर्ट पे, तो हमने ऐसे रोड पे लगा दिया और हम जा रहे हैं। पार्किंग फुल पूरी, पहली एक ऐसी प्लेस मिली है हमें इस टाइम गोवा में जहाँ पे पार्किंग पूरी फुल है। बारिश हो रही है, फोन को मैंने कवर के अंदर रखा हुआ है तो शायद वीडियो उतना अच्छा ना आए, बट बारिश हो रही है तो करना पड़ा।
बोल रही थी कि अभी 2 या 3 दिन पहले से ऐसी हालत थी, इतनी गर्मी हो रही थी, हर तरफ धूप धूप गरम गरम, अभी ऐसी हालत हो गई है कि कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है एंड अब ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, आई एम लिटरली शिवरिंग। पता नहीं कैसा आ रहा है इसमें, बट वॉट टू डू, बारिश हो रही है, आई हैव टू कीप माई फोन इन दिस प्लास्टिक बैग अदरवाइज यू गोना स्पॉइल। सही है, सही है, हाँ तो रहा है, यार इस पर डर लग रहा है। देखो व्यू तो बहुत प्यारा है, बट इतना वैसा है ना मिस्टी सा, क्लियर दिख नहीं रहा है दूर तक इतना। तो हमने काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक करी एंड देन आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ओपन करके रखा था एंड वी वर क्लिकिंग अ पिक्चर, हवा इतनी तेज़ से आई कि वो नीचे चला गया, मेरा प्यारा अम्ब्रेला चला गया। ये बीच का रास्ता है, वो काफ़ी ख़राब रास्ता है यार, सीधे सर की तो सीधे बीच पे पहुँचूंगी, मैंने कहा यहाँ से खिसके तो सीधे बीच पे आऊँगी। पूरा पत्थर वाला रास्ता है ये नीचे डायरेक्टली बीच पे जाने का, थोड़ा सा केयरफुली जाना है क्योंकि बारिश भी हो रही है। ये यहाँ पे कुछ चाय वाय पॉइंट तो होता था बट अभी शायद बारिश है, मानसून है तो बंद है। काफ़ी मन था मैगी और चाय खाने का। ये पेबल बीच है तो हम आ गए पेबल बीच पे, बहुत ज़्यादा फ्लो है पानी, ओह माय गॉड, एंड इतना पूरा रास्ता हमें उतर के आना था, अभी वापसी में चढ़ के भी जाना है। बीच में एक दो शॉप थी खाने पीने की लेकिन अभी मानसून की वजह से वो बंद है।
बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, वेदर बहुत अच्छा है, थोड़ी सी ठंड सी भी हो गई है एंड ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा है। फोर्ट अच्छा था, फिर वहाँ पे जो पेबल व्यू पॉइंट था वो भी काफ़ी अच्छा था, पानी काफ़ी तेज़ आ रहा था, एवरीथिंग वाज गुड। इट्स जस्ट दैट आई लॉस्ट माय अम्ब्रेला, मेरा छाता चला गया फोटो लेने के चक्कर में, तो आई एम गोना मिस माय छाता, वो मैं छाता मैं बाहर से लेके आई थी। तो जा रहे हैं वापस अपने रिजॉर्ट अब, रास्ते में चाय की दुकान थी। हाँ तो अभी जैसे 5 बज रहे हैं और 5:30 नहीं कितना बज रहा है अभी 4:41। हाँ तो थोड़ी सी ठंड भी हो रही है, तो हम कुछ चाय की शॉप ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे हमें चाय मिल जाए बनी हुई, मतलब ताज़ी ताज़ी बनी। अभी क्या है, एक दो शॉप देखी उन्होंने पहले से बना के रखी हुई थी, वो नहीं अच्छी लगती। तो चाय एंड अगर चाय के साथ में कुछ बड़ा पाव या समोसा मिल जाता तो। रास्ते चल के आए, पूरे रास्ते चल के आए, फाइनली ये कोलवा बीच के पास हमें फ्रेश निकलते हुए समोसे और वड़ा पाव की शॉप मिली है। एक्चुअली हम हरमन जा रहे थे, रास्ते में हमें कुछ मिला नहीं, तो फाइन अभी एकदम से ये दिखा तो हमने यहाँ पे स्टॉप किया है। तो वी हैव ऑर्डर, हम खाएंगे वड़ा पाव एंड समोसे एंड चाय। केम आउट फॉर डिनर एंड वॉन्टेड टू बाई सम काजू घर के लिए, तो ये पास में एक शॉप है यहाँ पे देखते हैं कुछ काजू मिल जाए अच्छे रेट्स में। तो वी हैव डन विद शॉपिंग, बहुत सारे हमने काजू वगैरह लिए घर के लिए, नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर। यहाँ पे हमने खाना खाया, कोलवा बीच पे ही है ये रेस्टोरेंट, तुलसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। सो वी हैड अ गुड मील हियर एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर रिजॉर्ट। आगे कोलवा बीच है, सो होप